हाय गाइस, दिस उत्कर्ष श्रीवास्तव। अब हम लोग बात करते हैं दिस कीवर्ड और उसके यूज की। तो बेसिकली इस टॉपिक के बाद से हम जावा प्रोग्रामिंग में थोड़ा डेप्थ में जाना शुरू करने वाले हैं, क्योंकि यही एक कॉन्सेप्ट है जिसके बाद से इनहेरिटेंस और कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ों की रास्ते खुलते हैं। तो बेसिकली दिस कीवर्ड क्या है? अभी तक आपने देखा होगा कि मैंने ऑब्जेक्ट से मेथड को कॉल किया है, और आपने भी जो प्रोग्राम्स बनाए होंगे उसमें आप ऑब्जेक्ट से मेथड कॉल कर लेते थे डायरेक्टली, ओबी डॉट कोई भी मेथड का नाम, और आप उस ऑब्जेक्ट के जो इंस्टेंस मेंबर्स थे उनका इस्तेमाल डायरेक्टली मेथड में कर ले रहे थे बिना किसी प्रॉब्लम के। मगर ये शायद कुछ लोगों ने सोचा हो कि उस मेथड को कैसे पता चल रहा है कि मुझे उसी ऑब्जेक्ट की वैल्यूज को एडिट, अपडेट या एडिट, या उससे कुछ काम लेना है या उसे कुछ डिस्प्ले करना है। तो उस मेथड को ये ऐसे पता चलता है कि आप जब उस मेथड को कॉल करते हैं तो उसे इम्प्लिसिटली उस ऑब्जेक्ट का रेफरेंस भेज दिया जाता है, और वो रेफरेंस होता है दिस। दिस उस रेफरेंस का नाम है जो उस ऑब्जेक्ट के एड्रेस को एक तरह से रिप्रेजेंट करता है। तो उस मेथड को ये पता चल गया कि उसे किन वैल्यूज का इस्तेमाल करना है। उसी तरह से कंस्ट्रक्टर जब आप कॉल करते हैं, कंस्ट्रक्टर कॉल तो वैसे अपने आप होते हैं जब आप ऑब्जेक्ट्स क्रिएट करते हैं, मगर कंस्ट्रक्टर को मैंने अभी तक बहुत क्लियरली स्टेट किया है कि एक्सप्लिसिटली वो कुछ रिटर्न नहीं करता है, मगर इम्प्लिसिटली वो कुछ रिटर्न करता है, और जो वो रिटर्न करता है वो होता है दिस। कंस्ट्रक्टर से हीप में मेमोरी एलोकेट होती है, इंस्टेंस मेंबर को मेमोरी स्पेस मिलती है, और कंस्ट्रक्टर उन्हें वैल्यूज देता है जो भी आप देना चाहते होंगे थ्रू द कंस्ट्रक्टर। तो जब आपने रेफरेंस वेरिएबल क्लास में बनाया या किसी मेथड ने बनाया उस ऑब्जेक्ट को बनाने के लिए, तो उस रेफरेंस वेरिएबल में उस हीप में जो ब्लॉक एग्जिट बना है उसका एड्रेस कैसे आएगा? वो एड्रेस आपको कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट होने के बाद दिस के रूप में मिल जाता है। तो मान लीजिए मैंने स्वैप क्लास जो बनाई थी उसमें मैं मान लूँ स्वैप ए इक्वल्स टू न्यू स्वैप है, तो जब कंस्ट्रक्टर कॉल होगा स्वैप क्लास का, सारी स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होंगी, हीप में कोई मेमोरी एलोकेट हो जाएगी, तो उसका रेफरेंस यानी कि उसका एड्रेस ए में कंस्ट्रक्टर डाल देगा थ्रू इट्स इम्प्लिसिटली रिटर्न दिस पॉइंटर। तो अब एक एग्जाम्पल के तौर पर लेते हैं और देखते हैं कि दिस का पहला यूज क्या है। वैसे दिस का पहला यूज मैं आपको बता ही चुका हूं कि वो ये बता देता है कि ऑब्जेक्ट्स के, कौन से ऑब्जेक्ट्स के इंस्टेंस मेंबर्स का इस्तेमाल करना है। तो मान लीजिए मेन में मैंने एक एक्स नाम का ऑब्जेक्ट बनाया, तो एक्स हो गया रेफरेंस वेरिएबल, और हीप में एक ऑब्जेक्ट बन गया जिसमें दो इंस्टेंस मेंबर्स हैं ए और बी। मैंने कोई मेथड कॉल किया मान लीजिए ए बी, और उसमें दो आर्ग्यूमेंट भेजे ए और बी, तो उस मेथड के स्टैक में ए और बी तो क्रिएट होंगे ही, और उन्हें दिस भी भेजा जाएगा। ये दिस असल में इस डिफरेंस वेरिएबल का एड्रेस रखेगा, और वही ये एरो रिप्रेजेंट कर रहा है। तो अब मैं ए बी में अगर इस एक्स का कोई इस्तेमाल करना चाहता हूं, क्योंकि मैंने एक्स डॉट ए बी ए कॉमा बी ही कॉल किया है तभी ये मेथड कॉल हुआ है, फिर एक्स का थ्रू दिस ए बी यूज करेगा उसके इंस्टेंस मेंबर्स को। अब दिस का दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं, यानी दूसरा इस्तेमाल देखते हैं। दिस फैसिलिटेट करता है इंट्रा क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग को। अब इंट्रा क्लास कंस्ट्रक्टर चेनिंग क्या है? वो ये है कि आप एक ही बार ऑब्जेक्ट क्रिएट करेंगे, मगर आप एक से ज्यादा बार कंस्ट्रक्टर्स कॉल कर सकते हैं। इससे नंबर ऑफ स्टेटमेंट्स रिड्यूस हो जाएंगी आपके कोड में। मैंने उसको समझाने के लिए एक प्रोग्राम बनाया है, और बेसिकली उसको शुरू करने से पहले मैं उसका सिंटैक्स बता देता हूँ कि आप एक कंस्ट्रक्टर से दूसरे कंस्ट्रक्टर को कैसे कॉल करेंगे। आप बस बेसिकली दिस लिखेंगे और उसको कुछ आर्ग्यूमेंट्स अगर चाहिए होंगे दूसरे कंस्ट्रक्टर को तो उन्हें डाल देंगे। तो अब इस प्रोग्राम से शुरू करते हैं। मैंने क्लास टेस्ट बनाई, उसमें एक दो इंस्टेंस मेंबर्स हैं प्राइवेट इंट पी एंड क्यू। पहला कंस्ट्रक्टर है जो कोई भी आर्ग्यूमेंट नहीं ले रहा है,
दूसरा कंस्ट्रक्टर है जो एक आर्ग्यूमेंट ले रहा है और तीसरा कंस्ट्रक्टर है जो दो आर्ग्यूमेंट्स ले रहा है। एक void display नाम का मेथड है जो p और q को डिस्प्ले कर देगा एज पर द जो भी ऑब्जेक्ट से वो मेथड कॉल हुआ है। तो बेसिकली मेन में मैंने क्या किया, टेक्स्ट टेस्ट x इक्वल्स टू न्यू टेस्ट किया, तो इससे पहला वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा क्योंकि मैंने कोई भी आर्ग्यूमेंट्स यहां नहीं दिया डाले हैं। तो इसका पहला स्टेटमेंट है दिस 2,3। अब इसका मतलब है इसे कोई दूसरा कंस्ट्रक्टर कॉल करना है और वो दूसरा कंस्ट्रक्टर वो होगा जिसमें दो आर्ग्यूमेंट्स हैं, तो ऐसा ये वाला कंस्ट्रक्टर है। तो बेसिकली आपका कंट्रोल यहां से यहां आया और फिर यहां से यहां आया, फिर दिस डॉट पी इक्वल्स टू पी। अब इसका मतलब है कि दिस यानी कि जो भी रिफरेंस बना है अभी तक, जो भी हीप में ऑब्जेक्ट बना है, उसका पी में आर्ग्यूमेंट वाले पी की वैल्यू डाल दो। दिस डॉट पी वही काम करता है जो एक्स डॉट पी करेगा, मगर अभी एक्स तो कोई रिफरेंस वेरिएबल यहां पे है ही नहीं क्योंकि ये तो कंस्ट्रक्टर है, तो दिस यहां पे काम करेगा क्योंकि कंस्ट्रक्टर में भी वो रिफरेंस वेरिएबल तो अब आ ही गया है, वो एड्रेस अब आ ही गया है। तो दिस डॉट पी से मैंने जो भी हीप में अभी बनी है मेमोरी ब्लॉक उसके पी में पी डाल दिया और क्यू में क्यू डाल दिया। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, इन टू पैरामीटराइज्ड एग्जीक्यूट हो जाएगा, फिर कंट्रोल वापस यहां पे आ जाएगा क्योंकि बेसिकली आप मेथड कॉलिंग ही कर रहे हैं और मेथड कॉलिंग इसी तरह से होती है। फिर उसके बाद ये वाली स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एल एन इन डिफॉल्ट। फिर यहां जब ये मेथड खत्म होगा तो ये उस मेथड के पास जाएगा जिसने इसे कॉल किया था, और इसे कॉल किया था मेरे मेन ने, तो मैं मेन में वापस आ गया। अब एक्स डॉट डिस्प्ले एग्जीक्यूट होगा, एक्स डॉट डिस्प्ले से पी इक्वल्स टू दिस डॉट पी प्रिंट होगा। दिस डॉट पी में दिस क्या है, एक्स का रिफरेंस, तो प्रिंट करने के लिए आप दिस डॉट पी भी लिख सकते हैं। वैसे पी से भी वो काम हो जाएगा, मगर एम्बिग्यूटी अगर आपको रिड्यूस करनी है, मान लीजिए आपने यहां पे कोई पी नाम का वेरिएबल बनाया है इस मेथड में, तो एम्बिग्यूअस हो जाएगा कि आप कौन सा पी प्रिंट करना चाह रहे हैं। तो उस एम्बिग्यूटी को हटाने के लिए आप दिस डॉट पी लिखेंगे, इससे ये पता चल गया कि आप ऑब्जेक्ट के इंस्टेंस नंबर पी को प्रिंट करना चाह रहे हैं। फिर क्यू भी प्रिंट हो जाएगा ऐसे ही, ये मेथड कंप्लीट होगा, कंट्रोल वापस यहां पे आ जाएगा। अब वाई का ऑब्जेक्ट बनेगा जिसमें एक आर्ग्यूमेंट पास हो रहा है, तो ये वाला कंस्ट्रक्टर कॉल होगा, इसमें पी में वैल्यू आ जाएगी 5। इसकी पहली स्टेटमेंट है दिस पी कॉमा 3, फिर से वही काम होगा, यहां पे आएगा पी में वैल्यू आ गई 5, क्यू में वैल्यू आ गई 3। अब दिस डॉट पी में वैल्यू आ गई 5 और दिस डॉट क्यू में वैल्यू आ गई 3। ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होगी, कंट्रोल वापस यहां पे आ जाएगा, इन वन पैरामीटराइज प्रिंट होगा, ये मेथड कंप्लीट हो गया यानी ये कंस्ट्रक्टर कंप्लीट हो गया, कंट्रोल वापस से यहां आ जाएगा और वाई डॉट डिस्प्ले हो जाएगा, पी इक्वल्स टू 5, क्यू इक्वल्स टू 3। अब टेस्ट जेड इक्वल्स टू न्यू टेस्ट 10,20 एग्जीक्यूट होगा, इससे कंस्ट्रक्टर ये वाला कॉल होगा क्योंकि आर्ग्यूमेंट दो इंट हैं और दो इंट यही मैच हो रहे हैं। दिस डॉट पी मतलब जो अभी हीप में बन गया है ऑब्जेक्ट, उसके पी में 10 डाल दो और क्यू में 20 डाल दो, ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर दो। इसमें कोई भी दिस यानी इस टाइप की कोई स्टेटमेंट नहीं थी, तो मतलब ये किसी दूसरे कंस्ट्रक्टर को कॉल नहीं करेगा। फिर कंट्रोल वापस यहां आएगा और जेड डॉट डिस्प्ले हो जाएगा, यानी पी इक्वल्स टू 10 और क्यू इक्वल्स टू 20। तो ये है दिस कीवर्ड के दो यूज, बाकी यूज अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे।